केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और प्रदेश सरकार के वैट कम करने के फैसले से जनता को बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी पर वैट कम होने से प्रदेश में पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। राजधानी शिमला में पेट्रोल की कीमत 95.76 और डीजल 80.34 रुपए प्रति लीटर रेट हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने के बाद आम जनता ने महंगाई के दौर में कुछ राहत की सांस ली है। वहीं राजधानी शिमला के लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने से आम आदमी को राहत मिली है। जिन लोगों को प्रतिदिन गाड़ी में पेट्रोल भरवाना पड़ता है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों का कहना है कि वैट कम होने से उम्मीद की जा रही है कि अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में भी गिरावट आएगी। बता दें कि उपचुनाव में भाजपा पर महंगाई की ही मार पड़ी है। पेट्रोल 106 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। कांग्रेस पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया। भाजपा को चारों सीटें गंवानी पड़ी। उपचुनाव खत्म होते ही केंद्र और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। अंकुश, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, कितनी राहत लग रही है आपको? ऐसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता बाइक में तो। बाइक में नहीं पड़ता ज़्यादा फर्क? नहीं, लेकिन सस्ता हुआ है तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। थोड़ा तो पड़ता ही है, सही बात है। बाकी ऐसे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं प्राइस का। पेट्रोल डीजल के रेट कितने कम हुआ है दो दिनों में? अपना नाम कहना पहले। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ पेट्रोल पंप पे। कितना सस्ता हुआ है पेट्रोल डीजल? पेट्रोल दो दिनों में हुआ है अपना 11.71 रुपये और 17.31 रुपये डीजल सस्ता हुआ है दो दिनों में। कितनी राहत है लोगों को, क्या कह रहे हैं? लोग तो काफ़ी खुश हैं रेट घटने से, काफ़ी फील महसूस, मतलब अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो गाड़ियाँ गुड़ियाँ काम चलाते थे वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ चलाने लग पड़े हैं लोग। बिल्कुल सर, रेट जो कम है जी सर, राहत लग रही है। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि पेट्रोल का रेट इतना कम हो गया है। सर हम जैसे लोग जिनकी रोज़ गाड़ी निकलती है, रोज़ गाड़ी चलती है और कम नहीं, रोज़ की कम से कम 150-150 किलोमीटर गाड़ी चलती है, 1000-1500 रुपये का तेल रोज़ का डालना है, तो सर हम जैसे लोगों को तो बहुत बड़ी राहत मिली है कि पेट्रोल का रेट कम हो गया है। 108 रुपये मैंने आखिरी तेल डलवाया था परसों, रेट देख के होश उड़ गए थे। अब आज आया हूँ सर तेल डलाने, 1500 रुपये का तेल डलाया था, 108 रुपये परसों डलाया था, अब आज फिर से आया हूँ तेल डलाने, आज सर रेट कम देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है सर। 70-80 के लगभग थी है ना, तो उससे एकाएक जब 110 तक चला गया तो लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी, तो अब सरकार ने जो ये टैक्स कम करने का जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है, इससे जो है आम लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही इसके कारण जो महंगाई बढ़ रही थी, क्योंकि ज़्यादातर जो मालवाहक गाड़ियाँ हैं वो भी तो पेट्रोल डीजल से ही चलती है, इसके कारण आम महंगाई भी बढ़ रही थी, जैसे खुदरा के सामान, किराने के सामान, इनकी भी दाम जो है आसमान छूते जा रही थी। लगातार बाइक चला रहे थे जब आपका रेट बढ़ रहे थे तब भी? हाँ हाँ, बाइक तो चला रही है तो जरूरी चीज़ है, वाहन तो जरूरी है और शिमला में और भी जरूरी है। कितना मुश्किल हो रहा था बजट मैनेज करना? नहीं, बजट मैनेज करना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे अभी जैसे LPG के दाम भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो आम आदमी का जो बजट है वो हिल जा रहा है। लेकिन ये जो अभी थोड़ा कभी की है सरकार ने, इससे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी। मैं कश्मीर सिंह। सर बताइए, दो दिन में पेट्रोल के दाम लगभग 11 रुपये घटे, कितना फ़ायदा आम आदमी को? आम आदमी को सर फ़ायदा ही हुआ इसमें, ठीक है। बाकी अब इतने, पहले तो 100 रुपये कुछ पैसे था, ठीक, अब 8-9 रुपये, मतलब 8-9 रुपये कम हो गया, तो कुछ राहत तो मिली आम आदमी को। कमी की है काफ़ी और होनी चाहिए सर। देखो अभी ऐसा है कि ये जो कमी है, ये जो मतलब महंगाई के हिसाब से ठीक ठीक इन्होंने अब प्राइस कम किए हैं गवर्नमेंट ने, आगे तब जो आम आदमी वो तो यही चाहेगा कि हमारा जो प्राइस है थोड़ा और कम हो जाए। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।
बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।